आज के इस वीडियो में मैं आपको गोली दर्पण किसे कहते हैं अर्थात स्फेरिकल मिरर क्या होता है या कितने प्रकार का होता है, आज के बाद में आपको इससे संबंधित कोई भी डाउट नहीं रहेगा बिल्कुल बेसिक तरीके से, और हाँ चित्र के माध्यम से वो भी प्रैक्टिकली तौर पर मैं आज आपको समझाने वाला हूँ। सबसे पहले आप यदि गोली दर्पण की कोई परिभाषा आपसे पूछे तो आप क्या बताओगे कि ऐसा दर्पण, दर्पण का मतलब है कांच, तो ऐसा कांच जो कैसा हो, गोल हो, जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा होगा, गोल होगा, उस दर्पण को हम कहेंगे गोली दर्पण। ठीक है, तो हम लिखेंगे ऐसा दर्पण, ऐसा दर्पण जिसका जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है, जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा होता है, गोलीय होता है, उसे उसे गोली दर्पण कहते हैं, उसे गोली दर्पण कहते हैं। ठीक है कि गोली दर्पण क्या है, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ या परावर्तक तल कैसा हो, गोल हो। ठीक है, तो जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा होगा, गोल होगा, वो आपका ठीक है गोली दर्पण कहलाएगा। यदि अपन गोली दर्पण को ये जो गोल गोल दर्पण है मान के चलिए इस तरह का दर्पण ये, ठीक है ये आपका एक गोली दर्पण है ये, ठीक है कांच। अब कुछ मैं आपके सामने उदाहरण दे रहा हूं, है ना, ये बच्चों यहां से देख सकते हैं आप, दूसरा ये देख लीजिए आप, ठीक है ये देख लीजिए, यहां पर देखिए ध्यान से देखिए इसको, है ना, और यहां से आप देख सकते हैं, ठीक है ये देखिए ये और ये, तो ये इन दोनों में आप देख रहे होगे, यदि आप गौर से देखोगे तो यहां पर जो इसका परावर्तक तल है वो कैसा है, ठीक है बाहर की ओर वक्रित है, कैसा है बाहर की ओर, ठीक है भैया यहां पर देख सकते हैं आप ये, तो ये जो इमेजेस है बच्चों ये वास्तव में क्या है आपकी, ये इमेजेस जो थी, और ये इमेज देखिए आप सामने ध्यान से देख सकते हैं आप खुद ही, ठीक है ये आपने बैटरी को देखा उसका कांच कैसा होता है, अंदर की ओर धसा हुआ रहता है ना, ये देखिए ये भी कैसा है आपका अंदर की ओर धसा हुआ है। तो इस तरह जो गोली दर्पण है ना बच्चों, वो गोली दर्पण जो दो प्रकार का है, ठीक है एक 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 है ऊपर की ओर धसा हुआ, एक है अंदर की ओर धसा हुआ। ठीक है, तो गोली दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, यानी कांच कितने प्रकार का होगा, गोली दर्पण दो प्रकार का। अच्छा, जो अपन नॉर्मल कांच देखते हैं ना अपने घरों पर, वो बेटा समतल मिरर है, जिसमें अपन चेहरा देखने काम करते हैं ना, नॉर्मल अपने घर में उपयोग करते हैं, वो समतल मिरर है। ठीक है, पर ये गोली दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है वो अपन अच्छे समझेंगे। तो पहले लिखते हैं कि गोली दर्पण दो प्रकार का होता है, तो यह गोली दर्पण दो प्रकार का होता है। पहला है आपका अवतल दर्पण, ठीक है पहला है आपका अवतल दर्पण, जिसे हम कॉनकेव मिरर के नाम से भी जानते हैं, कॉनकेव मिरर, और जो दूसरा है वो आपका है उत्तल दर्पण,
और जो उत्तल दर्पण है उसे हम कॉन्वेक्स मिरर के नाम से जानते हैं। इतनी चीजें क्लियर है आपकी कि जो दर्पण है वो दो तरह का है कि ठीक है, दो तरह का है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो अब अवतल दर्पण वास्तव में क्या है? तो देखिए, अवतल दर्पण ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ का मतलब ये होता है जैसे ये का, ये आपके सामने यहाँ पर एक इमेज है ठीक है। ये अभी इसका जो परावर्तक पृष्ठ है ना वो किसे कहेंगे? जैसे कांच जो रहेगी नहीं, उसके कांच की पीछे की प्लेट ये ठीक है बच्चों, ये जो है वो कहलाता है आपका परावर्तक पृष्ठ। तो जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा होगा? अंदर की ओर वक्रित होगा। कैसा होगा? अंदर की ओर वक्रित होगा, उसे अपन क्या कहेंगे? आपका अवतल दर्पण कहेंगे। तो देखिए यहां पर मैंने अवतल दर्पण की परिभाषा लिख ली है कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल अंदर की ओर अर्थात गोले की ओर वक्रित होता है। जैसे मान के चलिए एक चम्मच है, ये आपके सामने यहां से देख सकते हैं एक चम्मच है, और इस चम्मच का जो ठीक है परावर्तक तल है वो ठीक है अंदर की ओर वक्रित रहेगा। ये जो दर्पण है ये इस तरीका का क्या कहलाएगा? ये चम्मच का जो गड्ढा गड्ढा वाला हिस्सा है ये कहलाएगा आपका अवतल दर्पण। चित्र देख सकते हैं ये इस तरीके से बनेगा। क्यों? देखिए ये चम्मच, इस चम्मच को आप जैसे नहीं पकड़ोगे नहीं, एक एक तरफ जब एक पलटी पकड़ोगे तो इस तरीके से करो जाओगे, जब इसको ऐसे घुमाओगे ना चम्मच को ऐसे इस तरीके से, जैसे इस चम्मच को आपने पकड़ के इस तरीके से घुमा लिया, तो ये जो दर्पण बनेगा आपका, और इसके ऊपर इधर की तरफ पॉलिश करना है अपने को, जो पीछे की प्लेट है नी उस पीछे की प्लेट की तरफ अपने को क्या करना है? चम्मच की पॉलिश करना है। तो ये जो चित्र है ये किसका चित्र आ जाएगा? आपका अवतल दर्पण का चित्र है ठीक है। ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। समझ में आया आपको थोड़ा सा? क्या है ये? आपका अवतल दर्पण है ठीक है बच्चों। यदि अपन इसको उल्टी तरफ पकड़ ले चम्मच को ये, अब उसकी पीछे की प्लेट बता दे मतलब, तो पीछे की प्लेट क्या कहलाएगी? आपकी उत्तल दर्पण कहलाएगी। जैसे ये जो पकड़ा हुआ है, ये व्यक्ति ने पकड़ा, जब देखिए किस तरह से पकड़ लिया, उल्टी तरफ पकड़ा है ठीक है, और पॉलिश किस तरफ करेंगे अपन? आप इस तरफ भी करेंगे यहाँ पर पॉलिश, यानी गड्ढे तरफ पॉलिश करेंगे, चम्मच का जो गड्ढा वाला हिस्सा नहीं उधर, तो वो कहलाएगा आपका उत्तल दर्पण। पर उससे पहले आपको अवतल दर्पण के बारे में कुछ जानना है ठीक है। इतनी चीज तो समझ में आ गई कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल अंदर की ओर अर्थात गोले की केंद्र की ओर वक्रित होता है उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं ठीक है। अब ये जो बच्चों अवतल दर्पण होता है ना, अवतल दर्पण में जो परावर्तन करने वाला चमकीला तल होता है ना वो अंदर की ओर धसा रहता है, जैसे कि आपने अभी देखा है चित्र में भी। तो इससे रिलेटिव कुछ बातें हैं, इनको बिल्कुल आप अच्छे से क्लियर कर लेना, क्योंकि एग्जाम में इन्हीं से आपके क्वेश्चन बनते हैं। मैं लिख भी रहा हूं यहां पर कि अवतल दर्पण में जो परावर्तन करने वाला चमकीला तल होता है वो अंदर की ओर धसा होता है। अवतल दर्पण में परावर्तन करने वाला चमकीला तल अंदर की ओर धसा रहता है, अंदर की ओर धसा रहता है। पहला बिंदु समझ में आया है? क्योंकि जैसा कि अपन ने ये देख सकते हैं अपन है ना, इसका जो चमकीला तल जो रहता है जो इधर से परावर्तन करेगा वो कहाँ पर रहेगा ठीक है? अंदर की ओर धसा
रहेगा। अब इसका पोलिस क्या करेंगे, इसकी पीछे की तरफ, तो पोलिस कहाँ होगा, उल्टी तरफ होगा पोलिस, किस तरफ होगा, उल्टी तरफ। तो दूसरा बिंदु जब लिखेंगे तो लिख देना है आपको कि इस अवतल दर्पण में उभरे हुए पृष्ठ पर पोलिस की होती है, अवतल दर्पण में उभरे हुए पृष्ठ पर पोलिस की जाती है या होती है, की जाती है, की लिख दे तो की जाती है। तीसरा जो है बेटा ना, अवतल दर्पण पर जो प्रतिबिंब होता है ना वो वास्तविक भी बनता है और आभासी भी बनता है, इसके बारे में अपन अगले वीडियो में जानेंगे, लेकिन अभी जो इसके महत्वपूर्ण बातें वो महत्वपूर्ण बातें लिख रहे हैं। इसलिए अवतल दर्पण पर जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा वास्तविक बनता है, वास्तविक किसको कहते हैं, ठीक है, जो रियल इमेज रहेगी वो। और साथ में एक स्थिति ऐसी होती है जब इसका आभासी प्रतिबिंब बनता है ना, तो अपन लिखेंगे अवतल दर्पण में, या इसमें अवतल दर्पण लिख दो नाम से, अवतल दर्पण में वास्तविक एवं आभासी वास्तविक और कैसा आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, ठीक है, वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब इसमें बनते हैं। और बच्चों जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है ना वो हमेशा उल्टा होता है, ठीक है, कैसा होता है, उल्टा, ठीक है। तो इसमें इसमें प्रतिबिंब की प्रकृति ठीक है, प्रकृति होती है, प्रकृति वही बोलते हैं अपन इसमें ना, इसमें प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है, उल्टी और सीधी। तो अपन सीधी सी बात है, ये थोड़ा सा इसको ऐसे लिख देना है कि इसमें प्रतिबिंब, इसको हटा दो, वही लिख दो, इसमें प्रतिबिंब छोटा उल्टा, वास्तविक वाला उल्टा हो गया, आभासी वाला सीधा हो गया, इसमें प्रतिबिंब उल्टा एवं सीधा बनता है दोनों तरह से बनता है। अगला बिंदु है अपन यहां, अब ये जो प्रतिबिंब है ना, ये प्रतिबिंब इसमें छोटा भी बनता है, बड़ा भी बनता है और वस्तु के आकार का भी बनता है। अवतल दर्पण में अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, वस्तु से छोटा बड़ा या समान साइज का भी बनता है, यानी वस्तु के बराबर,
ठीक है। तो ये मैंने आपको अवतल दर्पण दर्पण से जो संबंधित है वो कुछ बातें आपको बताई कि अवतल दर्पण में जो परावर्तन करने वाला चमकीला तल होता है वो अंदर की ओर धंसा रहेगा, अवतल दर्पण में उभरे हुए पृष्ठ पर पॉलिश होगी, ठीक है, इसमें वास्तविक और आभासी दोनों तरह के प्रतिबिंब बनेंगे, ठीक है, इसमें प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगी यानी कि वो प्रतिबिंब कैसा होगा, ठीक है, उल्टा और सीधा दोनों तरह का बनेगा और समान साइज का बनेगा। अब चलते हैं अपन उत्तल दर्पण की ओर, चलिए उसको भी अच्छे समझते हैं। चलिए तो अब समझते हैं उत्तल दर्पण क्या होता है। देखिए अभी हमने ये समझ लिया है कि अवतल दर्पण के बारे में, ठीक है, तो अवतल दर्पण के बारे में क्या देखा कि इसका परावर्तक जो पृष्ठ था वो कैसा था, अंदर की ओर, ठीक है, वक्रित था, ठीक है। अब यहाँ पर अपन इसको देखेंगे तो ये जो उत्तल दर्पण है इसकी जो चम्मच जो होती ना उसका उल्टी तरफ कर लो, बस ये गड्ढा तरफ नहीं करना, अब अपने को क्या करना उधर वाला हिस्सा करना है, जैसे कि ये इमेज में है, बस इसको पलट लेंगे ना, ये जो दर्पण बनेगा अपना कौन सा बनेगा बच्चों, ये बनेगा अपना उत्तल दर्पण, ठीक है, यानी जो ऊपर ऊपर वाला उभरा वाला हिस्सा है, यानी ऊंचा ऊंचा हिस्सा रहेगा ना चम्मच में अपना वो पलट वाली, उसको अपनों को पलटना है, बस सीधी सी बात है। तो अपन परिभाषा यदि बात करें इसकी तो परिभाषा आप कैसे लिखोगे कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल कैसा हो, बाहर की ओर वक्रित हो, ठीक है, ऐसा दर्पण, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल, यह परावर्तक पृष्ठ भी कहते हैं अपन इसे, परावर्तक तल बाहर की ओर वक्रित हो, कैसा हो, बाहर बाहर की और वक्रित हो, उत्तल दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है उस दर्पण, कौन सा दर्पण कहलाता है, वो उत्तल दर्पण या कन्वेक्स मिरर कहलाता है, कन्वेक्स मिरर कहलाता है, ठीक है बच्चों। अब यदि अपन इसके चित्र की बात करें तो चित्र मैंने अभी बताया ये कुछ इस तरह का इसका चित्र रहेगा जी, इसका परावर्तक पृष्ठ कैसा है, बाहर की ओर है और इसमें पॉलिश जो कर रहे हैं अपन, देखो ध्यान से पॉलिश क्या कर रहे हैं अपन, अंदर की तरफ इसमें पॉलिश कर रहे हैं अपन, है ना, ध्यान से देखना है भैयू, ये जो चित्र है वो किसका चित्र है, ये आपका उत्तल दर्पण का है, किसका है, उत्तल दर्पण का, ठीक है। अब उत्तल दर्पण का यदि महत्वपूर्ण बातें अपन देखें तो पहली जो मुख्य बातें अपनी निकल कर आई वो पहली मुख्य बातें कौन सी थी कि इसका जो परावर्तक पृष्ठ होता है ना या परावर्तन करने वाला चमकीला तल वो बाहर की ओर उभरा होता है, उत्तल, ये बातें याद रखना है, अंतर में भी काम आएगी उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के अंतर में, तो उत्तल दर्पण में परावर्तन करने वाला चमकीला तल, चमकीला तल जो होता है वो कहाँ पर होता है, बाहर की ओर, ठीक है, उभरा होता है बाहर की ओर उभरा ठीक है उभरा होता है। और यदि हम इस पे पॉलिश करेंगे तो पॉलिश बताओ किधर रहेंगे, ठीक है, पॉलिश जो होगी वो दबे हुए पृष्ठ पर होगी, यानी अंदर की ओर पॉलिश होगी, देखो दबा हुआ पृष्ठ ये भीतर की तरफ, ठीक है, वो जो गड्ढा रही चम्मच का उधर पोतना है अब अपने को, है ना भैयू, अनु ऊंचे ऊंचे भाग वाला ये ऊंचा वाला है चम्मच को उल्टी कर ली चम्मच को, मतलब कुल मिला के बात ही है। तो उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में दबे हुए पृष्ठ पर पॉलिश होती है, दबे
हुए पृष्ठ पर पॉलिश होती है, दबे हुए पृष्ठ पर पॉलिश होती है या की जाती है, बात वही है। ठीक है, यदि अपन तीसरे बिंदु की बात करें बेटा, तो इस पे हमेशा ही ठीक है उत्तल दर्पण पर हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। अपन ने अवतल में क्या पढ़ा कि उसमें वास्तविक और आभासी दोनों तरह के चित्र बनते हैं, पर इसमें प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनेगा, आभासी। ठीक है, तो इसमें प्रतिबिंब आभासी बनता है। आभासी बनता है और हम जानते हैं जो आभासी प्रतिबिंब होता है ना, वो आभासी प्रतिबिंब हमारा ठीक है सीधा होता है। कैसा होता है, एक और बिंदु लग जाते इसके बाद में लिखेंगे, तो पहले तो इसमें जो प्रतिबिंब होता है वो आभासी बनता है, और आभासी प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, सीधा होता है। तो अपन लिखेंगे उत्तल दर्पण में सीधा प्रतिबिंब बनता है, सीधा प्रतिबिंब बनता है। और अगला अंतिम बिंदु जो है हमारा कि इसमें वस्तु से छोटा बनता है, बड़ा बनता है, तो यह वस्तु के बराबर बनता है। तो ये तीनों चीजें अवतल में है, लेकिन उत्तल में हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनता है, वस्तु से छोटा। तो इसमें प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनता है। ठीक है भैया, तो ये अपन ने बच्चों आज जो आपको मैंने बताया है, ये उत्तल दर्पण का हो गया है पूरा, देख सकते हैं पहले तो कितना हो गया ये। अब इससे पहले मैंने आपको पूरा गोली दर्पण से संबंधित जो अवतल दर्पण है और उत्तल दर्पण है इसके बारे में पूरा बताया है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई भी होगी आशा करता हूँ। ठीक है, अच्छे से क्लियर आपको समझ में आ गया होगा जो चीज़ें मैंने आपको बताई है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और अच्छे से आपको तैयारी करिएगा बिल्कुल भी, और कोई भी बेसिक कॉन्सेप्ट है यदि अंतर आप करना चाहे तो ये जो मैंने बिंदु लिखा है ना, इस बिंदु से ये अंतर आपका बन जाएगा। चलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल पर आप पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, आराम से अंतर बहुत इजी तौर पर आप अंतर कर सकते हैं। ये जो मैंने पॉइंट बनाया ना, ये जो पॉइंट है इनसे पूरा अंतर बन जाएगा। ये अवतल दर्पण के पॉइंट हो गए इस तरफ, और एक तरफ हो जाएगा ये यहाँ से अपना उत्तल दर्पण के पॉइंट। ठीक है, कि इसका उसका परावर्तन करने वाला चल चमकीला तल अंदर की ओर दशा होता है, इसमें बाहर की ओर उभरा होता है, इसमें उभरे हुए पृष्ठ पर पॉलिश होती है, इसमें दबे हुए पृष्ठ पर पॉलिश होती है। इसका प्रतिबिंब वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार का बनता है, इसका आभासी बनता है। ठीक है, इसका उल्टा और सीधा तारा बनता है, इसका ओनली सीधा बनता है। इसमें वस्तु के बराबर या वस्तु छोटा या बड़ा समान साइज का भी प्रतिबिंब बन जाता है, लेकिन इसमें हमेशा वस्तु छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो बच्चों, मैंने आज आपको गोली दर्पण से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से, वो सारा बेसिक कॉन्सेप्ट बताने का प्रयास किया है। आशा भी करता हूँ कि हमारे बच्चों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। चलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।